हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पैटर्न मेकिंग स्टार्ट किया था और उसके बाद टाइप्स ऑफ पैटर्न मटेरियल हमने देखा था। आज हम देखेंगे पैटर्न अलाउंसेस, जो कि आप यहां पे स्क्रीन में देख रहे हो। तो पैटर्न अलाउंसेस क्यों रखना पड़ता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न अलाउंसेस कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। तो जैसा कि यहां पे बताया गया है कि जो भी अपना पैटर्न होता है, इट इज़ ऑलवेज लार्जर देन दी फाइनल कास्टिंग। जो अपना प्रोडक्ट रहता है, जो अपना पार्ट रहता है, उससे पैटर्न जो रहता है उसका साइज हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें उसमें अलाउंसेस देने पड़ते हैं। अब अलाउंसेस क्या है, ठीक है, जैसे कि पार्ट आपने निकाला, एक एग्जांपल देता हूँ, तो वो पार्ट की जो सरफेस फिनिश होगी वो हमें चाहिए वैसी ना भी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर मशीनिंग करना पड़ेगा, जैसे कि ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। तो ग्राइंडिंग करेंगे तो क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। अब मटेरियल रिमूव होगा तो डायमेंशन कम हो जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में फ्रेंड्स 1 mm भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो अगर कम हो जाएगा तो वो असेंबल नहीं होगा अच्छी तरह से, तो इसीलिए हमें अलाउंसेस देने पड़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस कौन कौन से हैं, फर्स्ट इज श्रिंकेज अलाउंसेस, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है मशीनिंग अलाउंसेस, तीसरा है ड्राफ्ट अलाउंसेस, चौथा है डिस्टोर्शन एंड रैपिंग और शेक अलाउंसेस। अब एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है श्रिंकेज और कॉन्ट्रेक्शन अलाउंसेस। श्रिंकेज यानी कि सिकुड़ जाना, ठीक है। तो जैसे कोई भी चीज़ जो होती है वो गर्म होती है तो क्या होता है, थोड़ा उसकी साइज़ ज़्यादा रहती है। अब जैसे वो ठंडा होगा तो क्या होगा, साइज़ कम हो जाएगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द मेटल यूज इन द कास्टिंग वर्क श्रिंक एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कूलिंग फ्रॉम द पोरिंग टेम्परेचर टू रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे आएगा तो वो साइज़ उसकी कम होगी। अब यहाँ पे 3 types दिए हैं कि लिक्विड कॉन्ट्रैक्शन, सॉलिडिफाइंग कॉन्ट्रैक्शन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन। उसमें से ये 2 जो है वो तो हम बोल सकते हैं कि उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय गेट एंड राइजर, ठीक है। आपने जो देखा मोल्ड में, उसमें हम गेट प्रोवाइड करते हैं, राइजर प्रोवाइड करते हैं, तो उससे लिक्विड एंड सॉलिडिफाइड कॉन्ट्रैक्शन को तो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए हमें एडिक्यूट अलाउंसेस प्रोवाइड करने रहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3rd है सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन, तो उसके लिए हमें एडिक्यूट अलाउंसेस देने पड़ते हैं। मतलब डिफरेंट मेटल श्रिंक एट द डिफरेंट रेट, अलग अलग मटेरियल की कॉन्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी अलग अलग है, कोई ज़्यादा सिकुड़ता है, कोई कम सिकुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड दी है यहाँ पे, वो यहाँ पे दिखाता है जैसे कि जे ग्रे कास्ट आयरन है, ठीक है, तो उसमें अलाउंसेस mm पर मीटर दिया जाता है, तो कितना mm पर मीटर वो सिकुड़ता है। तो यहाँ पे देखो, कास्ट आयरन है, स्टील है, एल्यूमिनियम, ब्रास, ब्रॉन्ज, मैग्नीशियम, तो ये अलग अलग मटेरियल दिए हुए हैं, इसके हिसाब से हमें डिज़ाइन करना रहता है, ठीक है। तो जो श्रिंकेज होता है वो किस पे डिपेंड रहता है, तो फर्स्ट इज मेटल टू बी कास्ट, कौन सी मेटल को कास्ट करना है, पोरिंग टेम्परेचर क्या है, डायमेंशंस ऑफ द कास्टिंग क्या है, कास्टिंग का डायमेंशन छोटा है या लार्ज है उसके हिसाब से, एंड मेथड ऑफ मोल्डिंग के हिसाब से हमें यहाँ पे जो श्रिंकेज अलाउंसेस है वो सिलेक्ट करने रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी श्रिंकेज अलाउंसेस। अब नेक्स्ट जो है वो है मशीनिंग अलाउंसेस। तो मशीनिंग अलाउंसेस आप सबको पता है कि क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें जो पार्ट जब कास्ट करके आते हैं तो उसकी जो सरफेस रफनेस है उसको हमें थोड़ा बहुत फिनिश करना पड़ता है, तो फिनिशिंग के लिए हमें मशीनिंग अलाउंस देना पड़ेगा। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फॉर द मशीनिंग अलाउंसेस, एक तो है मेटल ऑफ कास्टिंग, मशीनिंग यूज्ड, कौन सी मशीनिंग मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, देन कास्टिंग मेथड, शेप साइज ऑफ द कास्टिंग एंड अमाउंट ऑफ फिनिश, कैसी फिनिश चाहिए, उसको सुपर फिनिशिंग प्रोसेस से करना है या नॉर्मल ग्राइंडिंग से करना है, ठीक है। तो ये सब भी मैटर करता है मशीनिंग अलाउंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ड्राफ्ट अलाउंसेस, ठीक है। तो ड्राफ्ट अलाउंसेस जो है फ्रेंड्स, उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा टैपर करते हैं, आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है वो है मोल्ड, और ये जो पोर्शन है वो है जो अपना पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे भी ये मोल्ड है और यहाँ पे पैटर्न है,
ये विदाउट ड्राफ्ट है और ये विथ ड्राफ्ट है, ठीक है। तो ड्राफ्ट में हम क्या करता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको इंक्लिनेशन देते हैं, मतलब थोड़ा बहुत टेपर करते हैं। वो टेपर डिग्री में भी होता है या तो mm पर मीटर के हिसाब से भी हम करते हैं, जैसे कि 1 mm पर मीटर, ठीक है, उसके हिसाब से भी हम टेपर करते हैं। तो आप खुद यहाँ पे सोच के बता सकते हो कि कौन सा निकालने में इजी रहेगा, ये दोनों पैटर्न है, कौन सी निकालने में इजी रहेगी। तो ऑब्वियसली ये जो पैटर्न है वो निकालने में इजी रहेगा। इसमें क्या होगा, ये जो पोर्शन है ना, जो मोल्ड का पोर्शन है, वो यहाँ पे ब्रेक होने का चांसेस है, वो डैमेज होने का यहाँ पे चांसेस है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे टैपर में वो डैमेज नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत थियरी पोर्शन हम देख लेते हैं। तो इजी रिमूव फ्रॉम द सैंड विदाउट डैमेजिंग द मोल्ड, ठीक है। द स्लाइड टैपर इनवर्ड एंड आउटवर्ड प्रोवाइड फ्रॉम द वर्टिकल फेस, दैट इज कॉल्ड द ड्राफ्ट एंड इट कैन बी एक्सप्रेस आइदर इन द डिग्री और mm पर मीटर, ओके। अब वो किस पे डिपेंड है, तो ड्राफ्ट अलाउंस है वो शेप एंड साइज ऑफ द पैटर्न, देन मेथड ऑफ द मोल्डिंग एंड मटेरियल ऑफ द मोल्डिंग पे डिपेंड रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल के लिए कौन सा डायमेंशन रखा जाता है, देखो 10-25 mm पर मीटर ऑन एक्सटर्नल सरफेस एंड 40-65 mm पर मीटर ऑन इंटरनल सरफेस। तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल के लिए डायमेंशंस अलग रखे जाते हैं ड्राफ्ट अलाउंसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने देख लिया, उसके बाद है डिस्टोर्शन अलाउंसेस, ठीक है। तो डिस्टोर्शन, डिस्टोर्ट यानी कि शेप चेंज होना डिस्टोर्शन, या तो हम बोल सकते हैं वार्प, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सपोज इस तरह से हमें कास्ट करना है, तो हो सकता है कि वो डिस्टोर्ट हो आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन इस तरह से। तो हमें क्या करना है, पहले से ही उसको इस तरह से अरेंज करना है कि आफ्टर डिस्टोर्शन वो अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाए, समझ में आ रहा है। पहले से ही हमें थोड़ा उसको डिस्टॉर्ट करना है ताकि कास्टिंग होने के बाद वो ओरिजिनल साइज में आ जाए, दैट इज कॉल्ड द डिस्टोर्शन या तो कैम्बर अलाउंसेस, ओके। द टेंडेंसी ऑफ डिस्टोर्शन इज नॉट अ कॉमन इन ऑल द कास्टिंग, सभी कास्टिंग में ये होगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि कोई इरेग्युलर शेप है वहाँ पे ये डिस्टोर्शन होने का चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक यू शेप से बताया गया है कि बेसिकली ये इस तरह से होगा, तो उसके बाद इस तरह से डिस्टॉर्ट हो सकता है, तो हमें उसके हिसाब से यहाँ पे पहले से ही थोड़ा शेप चेंज करके उसको कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है डिस्टोर्शन अलाउंसेस। उसके बाद है रैपिंग और शेक अलाउंसेस, रैपिंग और शेक अलाउंसेस। फ्रेंड्स क्या होता है कि पैटर्न जब मोल्ड के अंदर होता है तो हम डायरेक्ट अगर खींचेंगे पैटर्न को, डायरेक्ट निकालेंगे, तो क्या होगा, जो सैंड होगी वो पैटर्न को चिपकी रहेगी, और वो चिपकी रहेगी और डायरेक्ट निकालेंगे तो वो उसके साथ चली आएगी, ताकि उसके बाद जो मोल्ड है वो उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब साइड ठोकना पड़ेगा, थोड़ा बहुत मतलब उसको रैप करना पड़ेगा। रैप करेंगे तो क्या होगा, पैटर्न जो होगा वो मोल्डिंग सैंड से थोड़ा मतलब उसमें अलग हो जाएगा, और अलग हो जाने की वजह से जब हम पैटर्न को रिमूव करेंगे तब सैंड, जो मोल्डिंग सैंड होगी वो पैटर्न पे नहीं चिपकेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कैसे थियरी पोर्शन में हम देख लेते हैं। तो व्हेन द पैटर्न इज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द मोल्ड, पैटर्न को हम जब मोल्ड से निकालते हैं, देन फर्स्ट रेप और शेक, स्ट्राइकिंग इट विद द वुडन पीस, वुडन पीस से हम थोड़ा बहुत ठोकते हैं। दिस इज डन सो दैट द पैटर्न सरफेस बिकम फ्री फ्रॉम एडजॉइनिंग सैंड ऑफ द मोल्ड एंड ड्यू टू दिस देयर इज अ लिटल इंक्रीज इन साइज ऑफ द मोल्ड। इससे क्या होगा, मोल्ड की साइज थोड़ी बढ़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मोल्ड की साइज बढ़ेगी। आप जब उसको शेक करोगे तो मोल्ड की साइज बढ़ जाएगी। अब मोल्ड की साइज बढ़ गई यानी प्रोडक्ट की साइज भी, पार्ट की साइज भी बढ़ जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव अलाउंसेस लेना पड़ेगा, ताकि जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा स्लाइटली छोटा लेना पड़ेगा कंपेयर टू मोल्ड, क्योंकि हम जब शेक करेंगे, जब रैप करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा साइज, ठीक है। सो इट इज़ नॉर्मली प्रोवाइडेड ओनली इन द लार्ज कास्टिंग,
लार्ज कास्टिंग में ही जनरली हम प्रोवाइड करते हैं, स्मॉलर कास्टिंग एंड मीडियम साइज कास्टिंग के लिए वो नेग्लिजिबल रहता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द रैपिंग और शेक अलाउंसेस। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला अलाउंसेस है श्रिंक, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, सबसे पहले अलाउंसेस होगा श्रिंकेज, उसके बाद मशीनिंग अलाउंसेस, उसके बाद ड्राफ्ट अलाउंसेस, उसके बाद डिस्टॉर्शन अलाउंसेस एंड देन शेक या तो रैप अलाउंसेस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।